हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में, जिसमें हम लेके आए आईआईटी पूरी की पूरी सीरीज। उसमें हम सभी आईआईटीज के बारे में जानेंगे, उसका फीस क्या रहती है, उसकी प्लेसमेंट क्या रहती है और उसकी फैसिलिटीज क्या रहती है। इस वीडियो में हम जानेंगे आईआईटी बॉम्बे के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले मैंने लिस्ट ली हुई है सभी के सभी आईआईटीज की। पूरे इंडिया में इस वक्त 22 आईआईटीज इज वर्किंग एंड 32 एनआईटीज आर वर्किंग। यहाँ पे मैंने सारी की सारी आईआईटीज की लिस्ट लिखी हुई है, कानपुर से लेके जम्मू तक, गोवा, भिलाड़ी, धनबाद और सभी के सभी। अगर मैं इसका ओवरव्यू देखूँ तो इसका लोकेशन है मुंबई के अंदर और इसकी फीस है 8 लाख रुपीज बीटेक के। यहाँ पे मैंने जो फीस मेंशन की हुई ये सिर्फ बीटेक की फीस है। आपको एमटेक के लिए फीस अलग पे करनी पड़ेगी और पीएचडी की फीस भी अलग है। यहाँ पे मैं फैसिलिटीज की बात करूँ तो इसमें मिलती है आपको बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल और मेस मिलता है। स्टेबली सीआर है इसका 1958, काफी पुराना इंस्टीट्यूट है। और इसमें मैं कोर्स की बात करूँ तो इसमें है बीई, बीटेक, एमई और एमटेक। एडमिशन आपका रहता है जेडब्ल्यू मेन के ऊपर और जेडब्ल्यू एडवांस के ऊपर। नेक्स्ट टू द कोर्सेज इन आईआईटी बॉम्बे, देर आर सो मेनी कोर्सेज इन द बॉम्बे एज आई मेंशन ओवर हियर, बीई, एमई, बीएससी, एमबीए, एग्जीक्यूटिव एमबीए और पीएचडी। ये सारे के सारे कोर्स आपको आईआईटी बॉम्बे में अवेलेबल है। अगर मैं स्ट्रीम्स की बात करूँ तो काफ़ी सारी डिफरेंट स्ट्रीम्स भी है। फर्स्ट इज इंजीनियरिंग, सेकंड फोर्थ द साइंस, थर्ड इज द बिजनेस एंड मैनेजमेंट, फोर्थ इज द डिजाइन एंड फिफ्थ इज ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। तो काफ़ी अच्छे कोर्स आपको प्रोवाइड करती है आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट मूव ऑन टू द अवर फर्स्ट इंजीनियरिंग ब्रांच इज द बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसकी फीस है 8.55 लाख्स और ये है 4 साल की फीस। यहाँ पे मैंने ईयर लिखा हुआ है, 4 साल इसमें रहेंगे आपको। एडमिशन प्रोसेस रहता है जेडब्ल्यू मेन और जेडब्ल्यू एडवांस के ऊपर। इसकी रेटिंग्स है 4.6। ये रेटिंग्स है, ये सभी रेटिंग्स मिक्स हुए, मतलब इसमें प्लेसमेंट का भी रिकॉर्ड है, इसमें एडमिशन का भी है, सभी के सभी रेटिंग्स का ओवरऑल यहाँ पे रेटिंग्स मिला है इसको 4.6। नेक्स्ट ब्रांच इज एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इसकी भी फीस सेम है। अगर ये इंजीनियरिंग है तो 4 साल रहेंगे, एडमिशन प्रोसेस भी सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे रेटिंग्स है 4.4 आउट ऑफ द 5 स्टार। नेक्स्ट ब्रांच इन द आईआईटी बॉम्बे इज बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फीस बाकी की सारी डिटेल सेम है क्योंकि ये बीटेक है, इसमें सिर्फ ब्रांचेस डिफरेंट है। तो फीस, साल, एडमिशन प्रोसेस और रेटिंग सब सेम रहेगा एज पर द अदर इंजीनियरिंग ब्रांचेस। नेक्स्ट ब्रांच इज बी टेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसकी भी फीस है 8.55 लाख, इसके लिए लगेंगे आपको 4 साल, एडमिशन प्रोसेस रहेगा जेडब्ल्यू के ऊपर और रेटिंग्स है 4.6, काफ़ी अच्छी रेटिंग्स है इसमें। सिविल इंजीनियरिंग की भी सारी प्रोसेस सेम है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, एक बार आप इसे देख लीजिए। नेक्स्ट इज बी टेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, इसकी रेटिंग्स काफ़ी अच्छी है, 4.8 रेटिंग्स है इसकी। तो आपको केमिकल इंजीनियरिंग लेना हो तो दिस इज द बेस्ट कॉलेज फॉर यू। नेक्स्ट इज बी टेक प्लस एम टेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, दिस इज द न्यू कोर्स कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। बी टेक प्लस एम टेक ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो इसके लिए लगेंगे आपको 5 साल। इसकी फीस मैंने मैंशन की हुआ है 10.67 लैक्स। एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो जेडब्ल्यू मेन और जेडब्ल्यू की एडवांस के ऊपर है इसका एडमिशन प्रोसेस। अगर मैं प्लेसमेंट के बारे में बात करूँ तो इसमें लास्ट साल का ये प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। यहाँ पे जितने भी मैंने प्लेसमेंट के रिकॉर्ड लिखे हुए ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पर से लिए हुए। लास्ट साल इसमें 265 कंपनीज आई थी और अराउंड 1400 ऑफर्स अवेलेबल थे, जिसमें से हाईएस्ट पैकेज मिला था 62 लाख का और एवरेज पैकेज रहता है 20 लाख का। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है टॉप रिक्रूटेड कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट एंड मोस्ट रिक्रूट सेक्टर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर मैं कंपनीज की बात करूँ तो ये सारी मेन कंपनीज है, अच्छी अच्छी इंटरनेशनल कंपनीज है। इसके अलावा भी काफ़ी अच्छी और अदर्स कंपनी भी आती है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, सैमसंग, एडोबी, एक्सेंचर, टाटा, ONGC और मॉर्गन स्टैनली। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।